वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। राष्ट्र के लिए लड़ने वाला प्रत्येक योद्धा जब तक जिंदा होता है, अपने जीवन की प्रत्येक सांस वो लड़ता रहता है देश, धर्म, प्रकृति और समाज के लिए। और जिस दिन उसका शरीर शांत हो जाता है, उसी दिन उनके विचारों को धारण करने वाला प्रत्येक वो नागरिक जो निरंतर लड़ता है, वो उसी का स्वरूप माना जाता है। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि यहाँ भगत सिंह जी आते हैं, चले जाते हैं, सुखदेव जी आते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आते हैं, कभी महाराणा प्रताप आते हैं, कभी पृथ्वीराज चौहान आते हैं, कभी शिवाजी महाराज आते हैं, और कभी भाई राजीव दीक्षित जी आते हैं और चले जाते हैं। जाने के बाद वो तस्वीरों में रह जाते हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी योद्धा होते हैं जो उनके विचारों के लिए हर समय लड़ रहे होते हैं, लेकिन जिस समय वो लड़ रहे होते हैं उस समय समाज उनका साथ नहीं देता, ये दुर्भाग्य है। और उनकी मृत्यु के बाद तस्वीरों में उनका सम्मान होता है। आज मैं फिर एक उस योद्धा की बात कर रहा हूँ जो आपके बीच में भगत सिंह के रूप में, चंद्रशेखर आजाद के रूप में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में, स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में, भाई राजीव दीक्षित के रूप में आपके बीच में खड़ा है, लड़ रहा है। आज जरूरत है हमें समझने की, क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य है यहाँ पे मरने के बाद ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी दयानंद सरस्वती होते हैं, लेकिन इस इतिहास को हमें बदलना होगा। आज हमें साथ देना होगा भाई देविंदर भलारा का और देसी पत्रकार कर्मू का, जिन्होंने पत्रकारिता धर्म को निभाया है। पहली बार इस राष्ट्र में सच्चाई के लिए कोई पत्रकार सामने आया है, पहली बार इस राष्ट्र में कोई योद्धा लड़ रहा है इस मानसिक गुलामी से राष्ट्र को बचाने के लिए। आप कल्पना कीजिए, आप उस राष्ट्र में रह रहे हैं जहां पे चिकित्सा पद्धति का जन्म हुआ है, जिसने संपूर्ण विश्व को चिकित्सा पद्धति दी है। एलोपैथी आयुर्वेद से निकली और जितनी भी पद्धतियां हैं वो आयुर्वेद से निकली, और उस आयुर्वेद को जन्म देने वाले राष्ट्र की यह स्थिति है। वहां पर जबरन चिकित्सा पद्धति लेने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है। आपको ये जो व्यक्ति का अधिकार है कि वो जीवन में आयुर्वेद को ले या एलोपैथी को ले, ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। आज उस अधिकार का हनन किया जा रहा है, आपकी आज़ादी छीनी जा रही है। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और भाई राजीव दीक्षित के रूप में एक योद्धा भाई देविंदर लड़ रहा है, और आप अपने घरों में सो रहे हो। कम से कम अगर आप उठ के गिरफ्तारी नहीं दे सकते, तो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार को, भारत सरकार के मंत्रियों को जागृत करो कि जो कार्य आज आप कर रहे हो, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि उस समय जब देश बर्बाद हो रहा था, मनुष्य को रोबोट बनाने की तैयारी चल रही थी, उस समय आप क्या कर रहे थे। तो मैं पुनः अखंड भारत स्वाभिमान के प्रत्येक योद्धा से निवेदन करता हूँ, राजीव दीक्षित गुरुकुल परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से मैं निवेदन करता हूँ, और ऋषि दयानंद सरस्वती को मानने वाले प्रत्येक उस आर्य समाज से निवेदन करता हूँ जो ये समझ के बैठ गया है कि ऋषि दयानंद सरस्वती खाली उस तस्वीर में है। नहीं, ऋषि दयानंद सरस्वती आज चंडीगढ़ की जेल में है भाई देविंदर भलारा के रूप में। प्रत्येक भाई राजीव दीक्षित के कार्यकर्ता से मैं निवेदन करता हूँ, राजीव दीक्षित आज जेल में है। भगत सिंह को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति से मैं निवेदन करता हूँ कि भगत सिंह आज जेल में है देविंदर भलारा के रूप में। और महाराणा प्रताप को मानने वाले प्रत्येक उस क्षत्रिय योद्धा से मैं कहता हूँ कि महाराणा प्रताप आज के आपके बीच में उस जेल में है जो आपके आने वाली नस्लों को बर्बाद होने से बचाने के लिए लड़ रहा है। और याद रखना, आपकी नस्लें नष्ट हो गई, आपका बीज नष्ट हो गया, तो आने वाली पीढ़ियां कभी आज़ादी का मतलब भी नहीं समझ पाएंगी। तो सभी साथी इनका सहयोग दे। दुख की बात देखिए, उस योद्धा की धर्म पत्नी रात भर रोड पे बैठी है और आंसू निकल रहे हैं, और सोए हुए समाज से अपील कर रही है, उठिए, मेरा पति खाली मेरे लिए नहीं लड़ रहा, मेरे परिवार के लिए नहीं लड़ रहा। आप एक बार उसकी ये ऑडियो क्लिप भी, वीडियो क्लिप भी सुन के देखिए। नमस्कार, मैं पूनम बुलारा, मैं देवेंद्र बुलारा की पत्नी बोल रही हूँ। यहाँ पर मेरे पति को अरेस्ट करा किया गया था। मैं
पूरे हरियाणा के लोगों जो यहाँ पे धरना था उनके सपोर्ट में आए हुए थे, धरना लगाया हुआ था, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है सबको। मेरी सारी खाप पंचायतों से, हरियाणा की खाप पंचायतों से, जाटों से, सबसे, सभी हरियाणा के लोगों से, पंजाब के लोगों से, सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जल्द भारी संख्या में यहाँ पे पहुँचे, मेरा साथ दें, मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे पति आप लोगों के लिए ही वहाँ पे बैठे हैं, जेल में बैठे हैं, तो मुझे हाथ जोड़कर, मैं बहुत अलग थलग पड़ गई हूँ, मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत है, मेरे पति को जरूरत है, आप अपनी मानवता के लिए आए, आगे आए, सभी से मेरा अनुरोध है जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुँचे और इस प्रशासन जो ये तानाशाही है इसके खिलाफ आप आवाज उठाए। आज ये हमारे साथ हो रहा है, ये सबके साथ होना है। ये आज एक मेरी अपील है आप सब लोगों से, सभी खाप पंचायतों से, जाटों से, सभी सिखों से, सभी जनजातीय लोगों से जो मानवता के साथ है, कृपया करके यहाँ पे पहुँचे जल्दी से। जागृत कीजिए, क्यों आपके अधिकार को छीना जा रहा है? मुझे नहीं वैक्सीन चाहिए, मुझे नहीं मास्क चाहिए, मुझे ये क्यों बार बार नौकरियों पे पाबंदी लगाई जा रही है कि आप नौकरी करनी है तो वैक्सीन लगवाइए, आपको अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है तो वैक्सीन लगवाइए, 500 रुपये जुर्माना दीजिए, क्यों? मुझे आयुर्वेद की पत्ती में विश्वास है, मुझे परमात्मा पे विश्वास है, मुझे गौमाता पे विश्वास है, मुझे प्रकृति माँ पे विश्वास है, मुझे उन दुष्ट अंग्रेजों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है जिन्होंने सालों साल हमें लूटा था। आज हमें एलोपैथी के नाम पे लूटा जा रहा है, हमें गुलाम बना जा रहा है। उठिए, जागिए, लड़िए अपने अधिकारों के लिए। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित, अमर रहे।